हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का रिवीजन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू से वन जीरो फाइव फाइव, फिर फाइव से टू वन वन, अब देखिए फोर टू टू जीरो, उसको लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू वन वन। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो भी इवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ दो का पेयर बन रहा है, दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए फोर टू टू जीरो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फोर टू टू जीरो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइव और टू वन वन का पेयर नहीं बन रहा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयर बनना चाहिए। जैसे फोर का हम लोग करेंगे टू मल्टीप्लाई टू, पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मान लीजिए 64 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब देखिए इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयर बन रहा है, इसलिए ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, एक होगा। लेकिन यहाँ चूंकि 4220 का मेन प्राइम फैक्टर का सारे का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आप लोग अब बता देंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। या हम लोग पहले से जानते हैं, हमें रिविजन करना है तो इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर which is equally divisible by each one of the number one of the number 3, 5 and 12. अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में वन लिस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 3, 5 और 12 से डिविजिबल हो। तो 3, 5 और 12 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, जो इसका एलसीएम है। जैसे इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे 3, 5 और 12 का, और जो एलसीएम आएगा वह 3, 5 और 12 से डिविजिबल होगा, लेकिन वह परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं, द लिस्ट लिख लेते हैं इसी चीज को, द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 5 and 12 is LCM of 3, 5 and 12। इसका LCM जो आएगा वह 3, 5 और 12 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग LCM निकाले 3, 5 और 12 का, तो दो से नहीं कटेगा, 3 से 1, 5 और 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 3, 5 और 2, 4, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 5 और 4 को 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ यह नंबर जो होगा यह डिविजिबल होगा 3, 5 और 12 से, 5, 4 या 20, 60 ऐसा नंबर है
जो 3, 5 और 12 से डिविजिबल है, 3, 5 और 12 से डिविजिबल है, लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर का सबका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 × 5 से। तो इस चीज को पहले लिख ले, वी कैन पेयर ओनली टू एंड 3 और 5 टू नो। That means the LCM is not a square number. By multiply the LCM by three multiply 5, we can make it a perfect square. तो 3 × 5 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा हो जाएगा 3 × 5 × 2 × 2 था। अब इसको मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे, 3 × 5 से। तो अब यह जो नंबर है हमारा, यह क्या होगा, 3, 5 और 12 से डिविजिबल भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि सारे फैक्टर का पेयर बन चुका है। तो इसी चीज को लिख दीजिए, द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय थ्री फाइव एंड 12 इज क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 2 × 2 × 5 × 5। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 900। तो 900 ऐसा नंबर है जो 3, 5 और 12 से डिविजिबल भी होगा और यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो इस तरीके से हम लोग वह नंबर निकालते हैं जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और